हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका अगर एप्लीकेशन जो है आपने अप्लाई किया है और रिजेक्ट हो जाता है तो वो हमको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था लास्ट वीक और उसे पूरा जो है दिखाया था कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और यहाँ पे जो है मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजेक्ट हो चुका है। तो रीज़न यहाँ पे बताया है कि करेक्ट गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका यही रीज़न है कि यहाँ पे ये लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा रहे हैं बहुत ही छोटी साइज़ में अपलोड करवा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको एक्चुअली उससे कुछ दिख गए नहीं, वो सब अपना डॉक्यूमेंट है वो कुछ वेरीफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो आई थिंक वही रीज़न से ये जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जो है भिजवाते हैं कि भाई वही सब डॉक्यूमेंट लेके आप जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाओ, यहाँ से उसका लिस्ट मिल जाता है और वहाँ पर जाके एक बार वेरीफाई करवा लो कि भाई आपका जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आज ही मैं अप्लाई कर देता हूँ फिर से एक बार, और फिर से आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास यही सब चीज़ें लेके चला जाऊँगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और रियल रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर हमारा डाल देते हैं और बच्चा जो है डाल देते हैं। तो प्रोसीजर सेम ही रहेगी बट अब जो है मैं ज़्यादा दूर तक इंतज़ार नहीं करूँगा, मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं नहीं जा पाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है क्या क्या डालना होता है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सभी दी है, ठीक है ना। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मैं इसको जो है ब्लॉग में लिख दूँगा और आपको थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए तो VIDs इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये सब डिटेल्स जो है एक बार भर लेता हूँ और बाद में हम देखेंगे। तो फिर दोस्तों तो यहाँ पे मैंने सभी डिटेल्स को भर दिया है और अब सबमिट कर भी कर देता हूँ। तो यहाँ का कुछ एरर आ गई है, एक बार देख लेते हैं। तो अब एरर जो है वो चली गई, अब पेज जो है आ गया, रिफ्रेश कर दिया उसके बाद में। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक वर्क कर लेता हूँ इसको और जो है OTP जनरेट हो जाएगा SMS पे और ईमेल पे। चलिए मैं एक बार OTP देख के इसमें डाल देता हूँ और फिर हम आगे का देखते हैं। आ गया है, अब इसको वैलिडेट कर देते हैं। अभी जो है मेरा ये पेज खुल गया है और इसके अंदर जो है सब डिटेल्स को हम भर लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका ईमेल वेरीफाइड है, आपका जो है फ़ोन नंबर वेरीफाइड है और यहाँ पर आपको जो है अपनी फ़ोटो डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 KB की फ़ोटो डाल सकते हैं। 20 KB की फ़ोटो में आप ही सोच लीजिए क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, वो ठीक है जो भी है। इसीलिए आई थिंक ये लोग वेरीफाई करवाने के लिए उनके ऑफिस में बुलवाते हैं। चलिए नीचे का थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपना जो शॉप है उसका नाम डालना है और फ्यूचर में जो है वो गूगल मैप में भी दिखेगा। यहाँ पर आपको ना मतलब आपका कियोस्क नेम या तो आपका जो सेंटर है उसका नाम डालना है और उसका एड्रेस डालना है, कहाँ पर लोकेटेड है उसका सब डिस्ट्रिक्ट और ये सब चीज़ें जो है डालनी है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, और यहाँ से जो है आपको उसको मैप करना है। ये लोगों ने ये फीचर जो है कुछ खास अच्छा नहीं बताया है बट फिर भी देखते हैं उसको फीडबैक पे लिख दूंगा कि भाई इसको इम्प्रूव करें और देखते हैं कि ये अच्छा से इम्प्रूव करता है कि नहीं करता है। बहुत दिक्कत आती है इसको मेजर करने के लिए और ये भी एडिटेबल नहीं है, अदरवाइज़ क्या गूगल मैप से लेके जो इसके अंदर हम डाल दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स जो है वो डालनी है, ओरिजिनल पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई करवाना है रियल जो है, तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन होगा आपका। इसके अलावा जो है बैंकिंग की सब डिटेल्स यहाँ पर डालनी है और कैंसिल चेक या तो पासबुक की फ़ोटो कॉपी जो है वो डालनी है, स्कैन कॉपी फ़ोटो कॉपी जो भी आप बोलें। इसके अलावा जो है आपको आपका आधार कार्ड को अपलोड करना है तो यहाँ पे इसको इसकी साइज़ 80 KB है, इसकी साइज़ जो है 80 KB है, वो आप सोच लीजिए 80 KB उसको क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो चलिए अभी ये डिटेल्स जो है सभी में भर लेता हूँ और ये प्राइवेट डिटेल है तो आपको एग्जैक्ट में दिखाऊंगा नहीं बट आप समझ लीजिए कि क्या क्या डालना है इसके अंदर जिससे कि आपको जो है आसानी होगी। और यहाँ पे साइड में भी सभी चीज़ें लिखी है यहाँ पे और इसका जो है मैं लिस्ट बना के डाल दूँगा जिससे कि आप लोग करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो चलिए अभी इसको भर लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मैंने सभी डिटेल्स को भर दिया है तो भी मुझे एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्वेशन में आई है जो कि आई थिंक वही रीज़न से जो है मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड के अंदर जो मेरा नाम स्टार्टिंग में यहाँ पे लोगों ने भरवाया था, वर्चुअल आईडी के नीचे का वाला जो था वही नाम
ये लोगों ने ऑटोमेटिकली जो है ये कैंसिल चेक वाला जो सेक्शन है, मतलब बैंकिंग डिटेल्स डालने वाला, वहाँ पे वही नाम ले लिया था जिसको मैंने लास्ट टाइम एडिट नहीं किया था, क्योंकि मेरा नाम जो है वो बैंक में थोड़ा सा आगे पीछे है, मतलब सरनेम और मिडल नेम जो है वो आगे पीछे जिस तरीके से होता है उस तरीके से है। तो अभी जो है मैंने सेम नाम जो है, मतलब जो बैंक में जो नाम है वही नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और आधार कार्ड का नाम जो है वो तो अलग तरीके से है, वही है। अब देखते हैं कि ये अप्रूव होता है कि नहीं होता। वैसे तो मैं आज जाऊँगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके और वेरीफाई वहाँ पे भी एक बार करवा लूँगा जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। अभी जो है सबमिट कर देते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है, और बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। यहाँ पे जो है मेरा एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुका है, और यहाँ पे इसको जो है मैं प्रिंट क्लिक करके प्रिंट कर लूँगा। और मैंने इनको फ़ोन किया था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आपको जो है सभी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में ही लानी है, आपको कोई ऐसा जेरॉक्स वहाँ पर सबमिट नहीं करवाना है। तो आई थिंक वो वहाँ पर खाली जो है वेरीफाई करेंगे या तो फिर पीसी में जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। तो जो भी है चलिए अभी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और मे बी डायरेक्टली वो अप्रूव भी कर दे, मतलब अभी थोड़ी देर के अंदर ही, अभी बारिश हो रही है तो अभी थोड़ी देर के बाद में जाऊँगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि एप्लीकेशन मेरा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, और आगे क्या करना है अपना CSC सेंटर जो है सेटअप करने के लिए, कौन कौन से फॉर्म्स जो है भरना शुरू करना चाहिए, उसका मार्केटिंग मटेरियल कैसे बनाना चाहिए, सभी चीज़ें जो है हम ये वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो सीरीज से जुड़े रहें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। आपके कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा।